वाराणसी पहुंचे नेहरू युवा बोर्ड के मेंबर शत्रुद्र सिंह ने बाबा मार्कंडेय महादेव धाम में विधि विधान पूर्वक दर्शन पूजन किया। साथ में हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमृत सिंह भोला उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। आज मार्कंडेय महादेव धाम में आपका आगमन हुआ है, इसके बारे में कि मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था। आज का यह दिन आदि गंगा माँ भक्ति और माँ गंगा के संगम से पौराणिक काल से स्थापित भगवान महादेव का मार्कंडेय महादेव मंदिर यहाँ उपस्थित है और ये हर किसी सनातनी के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन होता है, बड़ा सौभाग्य का समय होता है कि ऐसे पावन समय पे, ऐसे पावन तट पर और ऐसे भगवान महादेव के मंदिर में आकर के उनको प्रणाम करना, उनके सामने मत्था टेकना, ये मेरे सौभाग्य का। मार्कंडेय महादेव में जो इस समय अभी विगत दो दिन तीन दिन प्रोग्राम चला था और आगामी यहाँ के जो आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है, पर्यटक हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ। भारत आध्यात्म की भूमि है, संपूर्ण विश्व को भारत आध्यात्मिक चेतना से जागृत करता है। ये आज से नहीं है, ये आदि अनादि काल से, और भारत पर हजारों वर्षों से, हजारों वर्ष पहले आक्रांताओं ने आक्रमण किया और भारत की सनातन परंपरा, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को परेशान करने का काम किया, भारत की जनता को लूटने का काम किया। लेकिन भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति रही वो कभी छीण नहीं हुई। भारत के राजा जरूर टूट गए लेकिन भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति थी, भारत की जो संत महात्मा की जो ओजस्विता थी, उससे भारत हमेशा लड़ता रहा और हमेशा जीतता रहा। और आज का जो समय है, यानी कि कुछ महाविद्वान कहते हैं कि वो रामकृष्ण परमहंस के जन्म के समय से लेकर के और आज एक भारत के विश्व गुरु पर जो बैठने का जो उसका नैसर्गिक उसका स्थान है वह समय, और 2012 से प्रारंभ हुआ ऐसा कहते हैं, इसको एपीजे अब्दुल कलाम जी 2020 की बात कहते थे, संघ के पूर्व सरसंचालक मनीष सुदर्शन जी आज के 15-20 साल पहले से इस बात को बोलते थे कि भारत 2020 तक में विश्व शक्ति की ओर बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा, भारत जब विश्व शक्ति की ओर बढ़ेगा तो उसका रास्ता कहाँ से जाता है, भारत की आध्यात्मिक शक्ति से जाता है। हम जानते हैं कि 550 वर्षों के संघर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज अयोध्या में विराजमान हुए। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर प्राण आ गया है। अर्थ जगत में 225,000 करोड़ का व्यापार मात्र कुछ दिन के अंदर हुआ है, एक हफ्ते के अंदर हुआ है अयोध्या में। यानी भारत की आध्यात्मिक शक्ति के साथ भारत की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने का काम कर रहा है। और मार्कंडेय महादेव मंदिर, यानी कि इस मंदिर में इतने तीर्थ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके आने से यहाँ का आवागमन, यहाँ का पर्यटन, यहाँ के लोगों की आजीविका में वृद्धि, तो यह स्वाभाविक सा है। और ऐसे मेरा तो मानना है, ऐसे जितने भी शक्ति स्थल है, तीर्थ स्थल है, यहाँ तक कि जो गांव के हमारे छोटे छोटे जो हमारे शक्तिपीठ हैं वो वहाँ पर उत्सव के कार्यक्रम होने चाहिए। और यहाँ ये तो बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ही बहुत बड़ा स्थान है, आदि गंगा माँ गोमती और माँ गंगा का पावन तट है, यहाँ पर संगम है, ऊपर से पौराणिक महाकाल में अत्यंत शक्तिशाली पीठ है मार्कंडेय महादेव। ऐसे स्थान पर उत्सव होना ही चाहिए और मैं इसके लिए मैं देश भर को और समस्त जनपद वासियों को, यहाँ क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। उत्सव रहे और अपने जीवन को उत्सव जैसा बनाए। आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? आगामी चुनाव को लेकर के सीधा सीधा है, अब की मोदी सरकार 400 पार, ये और इस देश में एक ही गारंटी चलती है, वह है श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। ठीक है, हम सबका बड़ा सौभाग्य है। ये सब बड़ा सौभाग्य क्या है कि उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और केंद्र में तपस्वी हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ये जो डबल इंजन की सरकार है, भारत को चतुर्दिक विकास की ओर ले जा रहा है, भारत हर स्तर पर विकास की ओर जा रहा है। और भारत की जो आने वाली पीढ़ी है उसने तय कर रखा है कि हमको तो 50 साल तक
किसी और को देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बंगाल के संदेश खाली में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, या किसी छुपी हुई बात नहीं है। आज इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समय में आप देखिए ना, इस समय में भी बंगाल में संदेश खाली जैसे स्थान हो रहे हैं, शाहजहां से जैसे दरिंदे हिंदू बहनों के बेटियों को बलात्कार करते हैं, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर उनके साथ किस प्रकार का एक शील्ड का काम कर रही है, जा नहीं आती है एक महिला होकर के। और आज उत्तर प्रदेश, राजधानी उत्तर प्रदेश का प्रशासन पूरी दुनिया के लिए लाइन ऑर्डर के लिए एक अपना स्थान दिया है कि वास्तव में प्रशासन चलाया कैसे जाता है। और इस नाते आगामी लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है वह भारत के विकास के लिए हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलला के प्रतिस्थापना में बहुत अच्छी बात बोली, राम जी आ गए हैं। अब क्या, अब भारत के प्रत्येक व्यक्ति को हजार हजार वर्ष तक राम राज्य कैसे खड़ा हो इस पर काम करना है। हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। कुछ इंडिया गठबंधन पे कुछ बोलेंगे? इंडिया गठबंधन देखिए बहुत अवसाद में है, उनको पता ही नहीं कि इस गठबंधन में है कौन और कौन नहीं है। कभी उनके मुखिया वो कभी कहाँ चले जाते, उनको तो आज तक मुखिया के नहीं पता है कहाँ है। वो आम आदमी पार्टी, उसका कुछ भरोसा नहीं, वो कहती हम इनको अपने राज्य में कुछ देंगे नहीं। ममता बनर्जी कह देती है यहाँ इनका कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। इंडिया गठबंधन के बैठे हुए लोग ही इंडिया गठबंधन को लेकर धोने वाले लोग, यानी राहुल गांधी को तो कुछ लोग मानने नहीं चाहते, अखिलेश यादव की अपनी अलग कहानी है, ममता बनर्जी का अलग कहानी है। तो ये जो कहते हैं ना ये मुंडे मुंडे मंत्री बनना, ये ऐसी गठबंधन है, ये इंडी जो गठबंधन है उसे तो इंडिया नाम देना भी नहीं चाहिए। वो घमंडिया टाइप के लोग हैं, घमंड से अभिभूत हैं, और जिस प्रकार से वो लोग भाषा निकालते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि इनके पास कुछ बचने वाला है। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार सदन में अंतिम भाषण कहा है कि विपक्ष दर्शक दीर्घा में बैठने वाली है, तो इंडी गठबंधन का यही हाल होने वाला है। उन्हें विचार करना चाहिए, वास्तव में भारत में अगर हमें राजनीति करना है तो भारत के लिए क्या विषय हो सकता है। भारत में अब छत सिकुड़वाद नहीं चलेगा, भारत में सनातन संस्कृति की जय जयकार चलेगी, इसके लिए काम करना पड़ेगा। इस नाते वो तो बहुत ही बुरे दिनों में है, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि देश में एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए। हमें दुख है कि क्या करें, ऐसे ऐसे गठबंधन बना, घमंड के साथ अगर कोई गठबंधन बनता है उसका फिर विनाशी होता है। और मुझे तो बस इतने ईश्वर प्रार्थना करना है कि जो विपक्ष के लोग हैं भगवान को सदबुद्धि दे और कुछ देश के लिए अच्छा काम करें, शायद देश के कुछ लोग उनके बारे में अच्छा सोच सके। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए बनाया है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए बना रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी जब थे सरकार में तब इन्होंने पीडीए के लिए क्या किया जरा ये भी बता दे। वो स्वयं तो पिछड़े समाज से आते थे लेकिन अन्य पिछड़े समाज के लिए उन्होंने क्या किया, इसका जरा वो जवाब दे दें। और किसके पिछड़े और दलित आदिवासी की बात करते, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात मानव दर्शन को जीने वाले लोग हैं। जो हमारे दीनदयाल जी कहते थे, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करना उसके विकास में ही अपना विकास है। इसी नाते हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले काल में ही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास यह शब्द दिया। यह कितना बड़ा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। आज अखिलेश यादव के अंदर अगर हिम्मत हो तो बतावें कि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में किसी प्रकार का भेद हुआ हो, वो बतावें कि